Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने आमल बाबा से। लापड़ जी का गुटको जन्म ने बोले, लापड़ जी का गुटको भरजीन कनारे, भरजीन कनारे, भरजीन कनारे, भरजीन कनारे, थल्ले 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 थल्ले। मर गया बाबा जी, मर तो बाबा जी। ये खातून है जिन्हें पता चला था कि आप हमारे शो में तशरीफ ला रहे हैं, तो ये खास तौर पे लड़ झगड़ के सिक्योरिटी स्टाफ के साथ फिर ये यहाँ पे आने में कामयाब हुई हैं। थल्ले थल्ले थल्ले, आठ 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 आठ, ना तंकार, पहले ही तंग हो के आई है बेचारी, ना तंकार। हाँ बाबा जी, मैं ऊपर से देख रहा था, बड़ी तंग, रक्षा जी भी तंग सी। एक दरवाजे उतर लगी, उधर रक्षा उठने लगा सी, दूसरे उतर लगी, उधर रक्षा उठने लगा सी, फिर ड्राइवर उतर के एक दरवाजे में लम गया, दूसरे दरवाजे उतरी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज वहीं से आ रही है जहाँ से बदबू आ रही है। ये बाबा जी के जिन है। अच्छा। हम तो आदि है, अभी थोड़ी देर में बाबा जी उन जिनों को हाजिर कर देंगे, यही मौजूद है। जब आप घर से चलिए ना, तो बाबा जी ने अपने जिन वहाँ भेज दिए थे, वो आपको प्रोटोकॉल के साथ लेकर यहाँ तक पहुँचे। हाँ, हम आपके साथ साथ आ रहे थे। हाँ। जीपीओ चौक में सार्जेंट ने आपको रोका था। हाँ। रोका था ना। हाँ। हाँ, तो वो आपकी पुप्पी का पुत्र नहीं था जो चलान ने किया आपका? उसकी चलान बुक मैंने छीनी थी। शबरोज, तेन मैं किन्नी बारी आख्या रश वाली जगह उत्ते ना जाया कर। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर, ये बाबा गाना भी गाता है? अम्मा, 100 का नोट दिखाओ, ये चेला वेल लेने भी आता है। बच्चा, तमाम इंसानों ने ये गाना एक एक दफा गा लिया है, अब जिन्नों की बारी है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से निकाली मजा गया। मेरे रश के कमर, ये बाबा जी गाना क्या, डांस भी कर लेते हैं बहुत अच्छा। मेहरबानी बच्चा, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से निकाली मजा गया। मेरे रश के कमर। बाबा जी, हम तवीज लेने आए हैं, डांस देखने नहीं आए। गुस्ताख, बाबा जी मौज में हो तो नाचते हैं, तेरे समझ नहीं आती है। अम्मा, ये लड़की मुझे छेड़ती है, मेरे बाल खींचती है। ओंतरिया, ऐसी बातें ना कर, पहले ही तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ, हो चुकी है। हाँ जी बाबा जी, हाँ जी, हाँ तो कई बार हो चुकी है, पर पता ही नहीं चलता हाँ कब ना में बदल जाती है। तो बांध के रख बच्चा। किसे बाबा जी? पहले ते बच्चे नु बांध के रख, जदों कोई रिश्ता वेखण आवे नु उन्हां दे सामने ना जान दे। अच्छा। अगले रिश्ता वेखण आउंदे ने कोई देसी कुकड़ नहीं लैण आउंदे, इसलिए पहले तो इसे बांध के रख, उसके बाद बाबे के डेरे पे एक देसी बकरा बांध के जा। हाँ हाँ ही रहेगी, नाम नहीं बदलेगी। गोगो कब? हाँ जी बाबा जी, हाँ जी, बांध देते हैं बकरा। ओए बाबा जी को तो सारा कुछ ही पता है। हाँ। वो जो मलको ने तेरे रिश्ते से ना की थी, तुझे देखने के बाद ही की थी। बाबा जी, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, मेरे बच्चे को बचा लें। अगर बकरा नहीं खरीद सकती तो 25,000 नगद भी दे सकती हो। गोगो कब? नहीं जी नहीं, मैं बकरा दे के जाऊंगी। बाबा जी पैसे ही फड़ लो, 25,000 दे, 2 बकरे आ जाने जी। बाबा जी बस मेरा बच्चा बचा ले, पूरा 1 साल हो गया बीमार है, 4 दफा इम्तिहान में भी फेल हुआ है, कारोबार जिसमें हाथ डालते है वो ही ठप हो जाता है, रिश्ता भी कहीं नहीं हो रहा, मुझे तो लगता है किसी ने कुछ कर दिया। दुश्मन है तेरी वो छोटे कद वाली। हाय,
मेरी ताई। बाबा जी निशाना लग गया है। मेरे रिश्ते का मर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। वो छोटे कद वाली तेरी दुश्मन है। हाँ जी बाबा जी, मेरी जिठानी है। ओ क्या, उसका कद छोटा है? और बाबा बकवास करन दे। एक मिनट मैं पूछ ले रहा हूं। तू बाबा से काम च क्यों बोल रहा है? एक मिनट भाई, मैं पूछ ले। बाबा तेरे काम च बोल दे। अच्छा बाबा जी, मैं बात कर लेने था। इसी तरह आप फंसाते हैं लोगों को। आपको कैसे पता है? आपने फौरन हाँ कर दी। मेरी जिठानी का ही कद छोटा है पूरे खानदान में। रिश्ता बड़ा है उसका, मगर उसका कद और सोच छोटी है। एक मिनट, कितना कद है आपकी जिठानी का? तुसी कपड़े लाके देने ने कह तो देता छोटी सारी है, बस ठीक है। एक मिनट यार, आप बता ना कितना कद है उसका? ओ जी, मुझसे इतनी छोटी है। आपसे इतनी छोटी है तो इसका मतलब है वो उसका कद छोटा है। बच्चा, कमजोरियों से ये लोग फायदा उठाते हैं। मेरे क्लाइंट को प्रेशराइज ना करो, उसको अपनी सोच सोचने दो। अपनी सोच नहीं है, इसीलिए आप उसके सादा लोई का फायदा उठा रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं शट अप। तेरी उस जठानी ने एक दफा तेरे कमरे में सालन भेजा था। हाँ हाँ जी बाबा जी। वो तुमने खा लिया था? हाँ जी। वही नहीं था खाना सालन? क्यों? वो बाबे ने खाना था। अरे उसने उसमें तावीज डाला हुआ था। विरशद जी, बाबा जी ठीक कह रहे हैं, उस सालन में से एक बाल भी निकला था। हाँ जी। क्या हो गया? घर में अक्सर खाना पकाते हैं तो एक आध बाल निकल आता है। नहीं जी नहीं, बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो है ही मेरी दुश्मन। इसी कमजोरी इसी जहालत का ये लोग फायदा उठाते हैं। उठाने दे फिर फायदा। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा गया। मेरे अम्मा शमरोज, अम्मा मैं अफगानिस्तान आ गया। है अफगानिस्तान? पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ों पर बकरियां और तालिबान फिरते हुए नजर आ रहे हैं। जिन बच्चा वापस आ जा, वरना अफगानिस्तान ने इल्जाम लगा देना है कि जासूसी के लिए जिन भेज दिया है। हाँ वापस आ जाओ बेटा। अब ये बता बच्चा कि तुम्हारी उस जठानी ने अपने किसी रिश्तेदार की शादी पे तुम लोगों को बुलाया था? है? उसके भतीजे की शादी? हाँ जी। उधर तुम्हारे बच्चे ने मीठे चावल खाए थे? हाँ खाए थे। हाँ, उन चावलों में लाल और हरे रंग का मुरब्बा था। जी बाबा जी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। इसके बच्चे पे वार हो चुका है। बाबा जी सही कह रहे हैं। खुदा का नाम लें, इसी जहालत का बाबा जी फायदा उठा रहे हैं। माँ आपको जाहिल कह रहे हैं, हालांकि ये लफ्ज सिर्फ पापा बोलते हैं। और तो तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं ना जाहिल, और प्रोफेसर साहब गए इनको। जाहिल बाबे की हर बात पर हाँ हाँ करती जा रही। बाबे को जाहिल कह दिया, बाबे को जाहिल कह दिया। मांग लो माफी, मैंने बाबा जी की फूंक रोकी हुई है। अगर बाबे की फूंक रोकनी है तो सोफे पे खड़े होकर रोको, क्योंकि फूंक तो वैसे भी आ रही है। पीछे हो जाओ, तुम बड़ा एहसान कर रहे हो मुझ पे। अरे बाबा जी क्या हरकतें कर रहे हैं? मांग ले माफी, हमने तो इस तरह का बाबा पहली दफा देखा है। बच्चा अभी तो तूने पूरा बाबा देखा ही नहीं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर मांग लो माफी। नहीं मुझे मांगनी माफी बात। चलो आजा पुत्र, इधर आजा, छठ पराई नु जिद्दी आदमी। जिद्दी नहीं, वो दो जमाते पढ़ा वो। नहीं पुत्र, दो नहीं तू ज्यादा पढ़े। दो जमातों पढ़े होंगे तो तू मेरी गल मान लेनी, क्योंकि अंडर मैट्रिक तक मेरा इलम चल। यार तुम्हारी इस शोबदाबाजी पे यकीन करने का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी तुम्हारे चक्कर में आ जाते हैं। असल में मसला ये है कि मजहब से दूरी जो है वो ज़ईफ़ुल एतक़ादी को जन्म देती है। अब आप देख, अच्छी वली माकूल खातून है, फिर भी जो कहता जा रहा है आप यकीन करती जा रही है। बाबू जी, बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जादू हुआ है।
मेरे मामू ने कनाडा से मेरा वीजा भेजा है। टेबल पे बैठ के मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो पासपोर्ट मेरे हाथ से गिर गया। जादू? ये जादू नहीं, कमजोरी है। सेहत तो देखो उसकी। अगर कम सबों का पासपोर्ट होता तो उठा लेते, या नाश्ता करके उठाते तो भी उठाया जाता। भाऊ जी जो भी है ना, बाबा जी सच्चे हैं। बाबा जी सच्चे हैं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई मजा पिया। बाबा जी बस मेरे बच्चे को दम कर दे, ये मुसीबतों से निकल जाए और इसकी शादी हो जाए। इधर आ जा बच्चा, इधर आ जा। जी बाबा जी। इधर आ जा बच्चा, कौन दे इस बच्चे को रिश्ता? इधर तो मुंह ते मास ही कोई नहीं। यदि शादी ना करा बच्चा, इधर इलाज करा। एडा कमजोर बच्चा ते चिकन लैंड जावे ते कुकड़ियां एक साइड हल हो जांदियां ने। ओ कुकड़ा नु कहंदियां ने अगे हो के इस बच्चे नाल गल करो जी। इहदे वल ते एकदम पखा मोड़ दे ते कंध च जा वजदा। आप लोग ही नहीं बाजी करोगे काबिल है इमान। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, पिछले कमोबेश 4-5 बरसों से हम हर साल शादी ब्याह का जब सीजन शुरू होने वाला होता है तो एक खास मौजू की तरफ इशारा करते हैं, और वो मौजू जो है वो है कि सोने का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। जी, बल्कि जहेज की लानत, जहेज की, जहेज में सोने का इस्तेमाल शादियों के मौके पे आप जो सोने का इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें ये जो इसमें कमी वाकई हुई है या एक पाकिस्तान में कौमी सतह पे सोने के इस्तेमाल में, खास तौर पे शादी ब्याह के मौके पे जो सोने का इस्तेमाल कम हुआ है, उसमें हम ये दावा कर सकते हैं बहुत आजी के साथ कि कुछ ना कुछ हिस्सा हमारा भी होगा, क्योंकि जो आखिरी माली साल गुजरा है उसमें पाकिस्तान ने कुल सिर्फ 248 किलो सोना इम्पोर्ट किया है, जबकि उससे एक साल पहले ये मकदार जो थी ये 425 किलो थी। आधा आधा हो गया है, और उसकी एक बड़ी वजह जाहिर है शादी ब्याह में जो सोने का इस्तेमाल है उसमें कमी है, होता ही उसमें है ज्यादा ज्यादा। हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि, और बार बार ये जिक्र करते चले आए थे कि एक शादी का कमोबेश जो 65% खर्च है वो सोने पे होता है, सबसे महंगी आइटम शादी में सोना ही होता है। और एक औसत खानदान को कमोबेश 5 लाख रुपया सिर्फ सोने पर खर्च करना पड़ता था, अब इसमें कमी वाकई हो रही है। अच्छा, इस कमी की एक बड़ी वजह, बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ जितने ट्रेंड्स बनते हैं या टूटते हैं उसका आगाज एलीट क्लास से ही होता है, यानी कोई जो ट्रेंड है वो मिडिल क्लास से नहीं शुरू होता। ये एलीट क्लास ने ही सोने का जो क्रेज पैदा किया था और इसका खात्मा भी एलीट क्लास की तरफ से ही हुआ है। अब एलीट क्लास में सोने की बजाय आर्टिफिशियल सेट्स, वो आर्टिफिशियल ये अलग बात है कि उनकी जो मालियत है वो सोने से भी ज्यादा है, लेकिन गरीब आदमी ने भी या मिडिल क्लास ने भी उनको देख के इसका इस्तेमाल कम करना शुरू किया। या हरा माड़ा आदमी तो जो है वो अमीर को वेह वेह के अपना मुंह लाल कर ही देता है। अच्छा, ये सोने के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में कमी इतनी ज्यादा हुई है कि वाकई पाजनाद सही कह रहा है, अब कई सुनियारे जो है ना वो सोने की दुकान भी खोल के बैठे हुए हैं, और उधर उसी दुकान में साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं, और कई तो सुनियारे बिल्कुल ये काम छोड़ के सोने वाला प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग जो है ये भी किसी सोने के काम से काट नहीं होती। हाँ हाँ, जैसे सोने का एक गाहक आ जाएगा ये के लिए बनाने के लिए सोना, वो पूरे महीने का खर्चा निकाल लेता है सुनियारा। इसी तरह एक प्लाट अगर बेच दे या ले ले तो उसमें से भी उसको पूरे महीने 2-3 का खर्चा निकल आता है। लेकिन यार तुम देखो कि हमने भी क्या कौमी ज़ाता में किस्मत पाई है, किस अच्छी सूरत हाल में भी एक लम्हा फिक्रिया जन्म ले रहा है, और वो ये है कि लोगों ने अगर सोने का इस्तेमाल तर्क कर दिया है तो जहेज में अब ये एक लाजमी सी शर्त बन के रह गई है कि जनाब हमें गाड़ी चाहिए। अब यकीन करो कि गाड़ी का मुतालबा वो लोग भी करते हैं जिनका मोटरसाइकिल जो है वो किस्ते शॉर्ट होने पे गुलखान उठा के ले गया। ओहो माय गॉड, गुलखान डिड दिस हरकत।
अच्छा सोने की इंपोर्ट में कमी की एक बड़ी वजह यह भी है कि पहले सोने की एक्सपोर्ट भी अच्छी खासी थी, यानी हर साल पाकिस्तान के जो डिजाइनर्स हैं वो 1.2 बिलियन डॉलर के जेवरात जो हैं वो बना के बाहर एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा। और उनको उस वक्त ये रियायत हासिल थी कि अगर आप 10 तोले के जेवर बना के बाहर भेजते हैं तो आप वहां से 10 तोला खाम सोना जो है वो मंगवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब उनके लिए ये कानून बना दिया गया है कि आप 50% जो है वो जर्रे मुबादला की शक्ल में ला सकते हैं और 50% सोना ला सकते हैं, जिससे उनको वो डिस्करेज हुए हैं। और पंजाब में ये एक उनका मौकफ है कि हम पे सेस टैक्स लगता है कि जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो टैक्स है कि सड़कें टूटती हैं वो एक्सपोर्ट से, और वो कहते हैं कि सोना लाने से कौन सी सड़कें टूटती हैं। उनका मौकफ ठीक है, कमोबेश 1% टैक्स पड़ता है। वो कहते हैं कि सोना किस तरह, सोना सड़कों पे चल के तो नहीं आता, ट्रकों पे तो नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, सोने का कितना को वजन होना है, अगर कोई 5 किलो सोना भी लेके आता है तो इस तरह ही जिस तरह गोगे दे खबे हाथ का काम है। 5 किलो भी बहुत है, पूरा मुल्क जो है वो कुल 248 किलो सोना इंपोर्ट कर रहा है। अगर हुकूमत इन 2-3 मसाइल को कुछ कम करने की कोशिश करे या थोड़ा सा इन डिजाइनर्स को इनकरेज करे तो ये आसानी से आपको $3 अरब कमा के दे सकते हैं। अच्छा। एक और बात भी है, एक तो लोगों में कुछ रुझान भी कटा है सोना अपना डालने का, शादियों ब्याहों में कुछ खरीदो फरोख्त उसकी भी कम हुई है। कुछ हमारे डाकू भाइयों ने भी बड़ी मदद की। हाँ जी, डाकुओं में भी ये अकल शौर पैदा हुआ है कि भाई जी थान थे निके निके डाके जो मार दे तो एक बार सुनियारे की दुकान लुटो तो साल निकल जाए मेरा। यार तुम अभी YouTube पे जाओ। ठीक है, आओ जी चलिए YouTube पे। गोगे को ना ट्यूब पे बिठा लो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ अभी YouTube खोलो और देखो तुम्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली सोने की दुकानों पे 10 डकैतियों की सीसी फुटेज मिल जाएगी। 10-10 साल गुजर गए, एक भी मुजरिम या डाकू नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल सही। पकड़ा उसने कहां से जाना है, और अगर 30-40 सेट भी लेके जाता है तो उन्हें चट्टू चुपा के दस्ते नल कोट कुट के गे बेचा। जी जी, सोना कभी सस्ता नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि ये औरतों के इस्तेमाल की चीज है। अरे बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, जब औरत ने ये कहना है कि मुझे ये फलां सेट खरीद के दो तो स्कूटर बेच के भी लेके देना पड़ेगा। यानी अपनी तरफ से मेरा बीच में क्यों उचक के ना तो जुगत खराब कर दी। मेरा स्कूटर ज्यादा से ज्यादा अगर किसी अच्छी मार्केट में ले जाके बेचे ना तो 8.5 हजार का बेचे। 8.5 हजार का कौन सा सेट आता है, इसके लिए आपको मर्सिडीज ही बेचना पड़ेगा। ब्रेक किस लिए ले, फैसला कर लेना। देखो ना यार, 8.5 हजार तो तुसी बेच के भाई जी तगड़ा बकरा नहीं खरीद सकते। तो सोना तो फिर सोना है, और ऊपर से अगर वो हमारी बहन कहे जो खुद एक बड़े अब्बे की बेटी वो दे हाथ तो अन फिर मर्सिडीज ही बेचनी पड़ी, क्योंकि ये बड़ी फैमिलियों की खवातीन होती है, वो जब सेट वगैरह का कहती है तो उसमें लाजमन हीरे लगे होने चाहिए। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक्स, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम आज आलमी रैंकिंग में 13वें नंबर पे खड़ी है। इस अफसोसनाक सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़ा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक अहम ओहदेदार। थोड़ी नजरें नीची कर लो कम से कम। जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और उसको एंजॉय कर रहा हूं कि आप लोग जब एक तस्वीर का रुख देखते हैं तो दूसरा जो रुख होता है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। अभी आपने देखा है कि क्रिकेट में पाकिस्तान के लड़कों ने यह साबित किया है कि कोई भी बड़ी ट्रॉफी लेना पाकिस्तान के जवानों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है जी। तो ये जो हमने अभी वर्ल्ड हॉकी लीग में शिकस्त खाई है, शिकस्त ही नहीं खाई, 8वें नंबर पे। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये शिकस्त सिर्फ हमने जानबूझ के इसलिए खाई है कि अभी आपने देखा कि हमारे मुल्क ने 1 करोड़ रुपया सारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को
चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पे दिया है जी। और कई करोड़ बन गए हम। अगर हम भी जीत के आ जाते और करोड़ करोड़ उनको हमें भी देना पड़ता तो पहले ही मुल्क की मईशत का हाल देखे क्या है, इमरान खान कलप कलप के मर गया है। तो अगर हम भी ये ना सोचेंगे तो फिर ये कौन सोचेगा। बहुत शुक्रिया। फिर आप एक कौम पे एहसान अजीम और करें। ये जो आपको इस मरतबा रिकॉर्ड फंड मिले ना हुकूमत की तरफ से 40 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड फंड मिले, वो वापस कर दे फिर। मैं आपको बताता हूँ, वो जो फंड है वो हम इंतहाई अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि हमने उस फंड में से लड़कों को ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग के लिए भी भेजा है। एक मिनट, जो लड़के आपने ऑस्ट्रेलिया भेजे ना ट्रेनिंग के लिए, वो बेचारे शाम को हॉकी खेलते हैं और सारा दिन मुलाजमत करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा होए वाली कोई बात नहीं। मैं सुनाता हूँ आपको, वो बच्चे तो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। और चूंकि यंग आदमी है सारे, और उनको हमने ये देखे, ये भी हम मुल्क का पैसा ही बचा रहे हैं। तो फिर उनका पैसा तो नहीं लग रहा। मैं आपको बताता हूँ ना जी, जो साथ ऑफिशियल गए हुए हैं, जो हॉकी फेडरेशन के ओहदेदार वहां पे साथ गए हुए हैं, जुनैद साहब, उनको पीछे से फुफो ने तो निन्ने पैसे भेजने थे। उन्होंने भी तो वहां पे रहना है, उनका भी तो कोई खर्चा खुर्चा होता है। तो जो साथ हॉकी फेडरेशन वाले गए हुए ओहदेदार, वो वहां पे जॉब क्यों नहीं कर लेते? उन्होंने तो शाम को हॉकी भी नहीं खेलनी होती। हाँ। वो तो डबल जॉब कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। नहीं जुनैद साहब, सुबह दोपहर शाम तो सिर्फ दवाई खाती जाती है। क्यों जी, तीन टाइम पुलिस भी मार दी। हाँ, पुलिस भी मारती है, सही बात है। वैसे मेरा ख्याल ये है कि यंग लड़के जो होते हैं उनकी एज ऐसी होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। फेडरेशन के जो ओहदेदार हैं वो मेरा ख्याल है उस उम्र में नहीं होते कि उनको कहा जाए कि आप डबल मेहनत करें। ये जो आप जूनियर खिलाड़ियों पे इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक बिल्कुल जूनियर खिलाड़ी को हसीम खान, उसको कौमी हॉकी टीम का कप्तान सिर्फ इसलिए बना दिया गया है अपनी वाहिद खूबी की बुनियाद पे, और उसकी वाहिद खूबी ये है कि वो टीम मैनेजर हनीफ खान का भांजा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर उसमें ये है कि ये भी हमने पैसे की बचत की है। इस वक्त मुल्क का सबसे अहम मसला मईशत है। तो ये जो लड़का हमने किया है, अपना लड़का है, चूंकि इसको जितने पैसे भी कहेंगे ये ले लेगा, और अगर कहेंगे कि काटवाद कर ले तो काटवाद भी कर ले। नहीं, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। अगर उसे ये कहेंगे कि जो काट है वो भी आधार कर लो तो आधार भी कर ले। और ये दूसरी जो आपने बात की है कि ये हनीफ खान का रिश्तेदार है जुनैद साहब, वैसे तो आप लोग मीडिया के ऊपर बैठ के और वैसे भी आम गुफ्तगू में भी इसलिए हमें बेइज्जत करते रहते हैं, और हुकूमत को भी, कि ये लोग जो सीनियर खिलाड़ी हैं और ओलंपियन है रिटायर और जो वर्ल्ड चैंपियन रिटायर हैं, ये लोग उनकी इज्जत नहीं करते। तो अगर हमने हनीफ खान साहब की इज्जत की है तो फिर आप उसका ताना दे रहे हैं। बाबा ये बताएं, वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? जाहिर है हॉकी खेलेंगे, और कोई ग्राउंड में जाके ये तो नहीं ना करते। असल में आवाज नहीं आ रही। अब नहीं आती, पहले आती थी। अब इसलिए नहीं आती कि 13वें नंबर पे खड़े हैं, ना आवाज आती है ना शर्म आती है। जुनैद साहब, हम अल्लाह के फजल से मेहनत कर रहे हैं, अब 13वें की बात ना करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस दफा 12वें नंबर पे आए। कुछ खुदा का खौफ करें, 12वें नंबर पे। टोटल वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया था, 16 टीमें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 15वें पे जरूर आए, क्योंकि हमने पूरा प्लान कर लिया हुआ है कि हमने जापान को जरूर शिकस्त देगा। उस टीम ना लाया जिदी पोजिशन है, ग्राउंड च बन तो पहले शिकस्त लिख देंगी। भाई जी, वो जापान है, आपको क्या पता है? एक्रोला जापान दीजिए, हुंडा जापान दीजिए, सुजुकी जापान दीजिए। साढ़े महल तो एक्रोला सदीक दी है, हुंडा मोहम्मद शफी दी, सुजुकी पता नहीं की बूहे खलोती होती, पता करा मैं। वाकई रोल तो पड़ गया हुआ है। तो सर, एक टाइम ऐसा भी आया था कि चारों कप हमारे पास थे। आप ठीक कह रहे हैं, चार कप की फुल सेट चाय होती है, मगर कप टूट जाते हैं, घर में नुकरानी से टूट जाता है, बच्चों से टूट जाता है, बंदा झगड़ने तो नहीं ना बैठ सर।
आप इनसे पूछें कि इन्होंने हॉकी के फरोग के लिए स्कूलों में क्या काम किया। हाँ, जो नर्सरी है बेटा, इसीलिए तुम जैसे बच्चों को लोग पूछते हैं ना कि तुमने स्कूल में जाके क्या किया। स्कूल में अगर जाके हॉकी खेल ली है तो फिर तालीम कहाँ पे हासिल करनी। पहले आप सारी कौम इकट्ठे हो गई ये तो फैसला कर ले। कभी आप कहते हैं कि तालीम बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। अब हमने अगर स्कूलों को छोड़ा है कि रहने दें, इनको खेलने की तरफ ना लगाएं, ये सिर्फ तालीम हासिल करें, तो अब आप स्कूलों का ताना देना शुरू हो गए। एक वक्त होता था कि गली मोहल्ले में हर बच्चे के हाथ में हॉकी होती थी। जी दुनिया साहब, इस हवाले से तो हमने बड़ी तरक्की की है। पहले सिर्फ बच्चों के हाथ में हॉकी होती थी, अब आप देखे किसी बुजुर्ग की अल्लाह माफ करे टांग टूट जाए तो उसके हाथ में हॉकी होती है। मल्ले में लड़ाई हो पड़े तो सबके हाथ में हॉकी होती है। आप दीवार पे चढ़ के हमसायों की लड़की से बातें कर रहे हो तो लड़की की अम्मी के हाथ में हॉकी होती है। खंबे से बिजली की तार हिल जाए तो घर के मालक के हाथ में हॉकी होती है। आजकल तो जामुनों का मौसम है, हॉकी की एक शॉट से आधा किलो जामुन नीचे गिरते। और फिर इसी मौसम में ही नहीं, सर्दियों में भी अगर आप अखरोट खा रहे हो और आपके हाथ से अखरोट स्लिप होके सोफे के नीचे घुस जाए तो फिर आपके हाथ में हॉकी होती है। हॉकी ने तो इतनी तरक्की कर ली है जुनैद साहब, वरना पहले आपको सोफा उठा के साइड पे करना पड़ता। यानी पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन ने हॉकी सिर्फ अखरोट निकालने के लिए रखी हुई। नहीं जुनैद साहब, ये देखे जरा, दांत निकालने के लिए भी रखी हुई है। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनेद, वैसे तो आपने एक दफा सीरियसली भी एक टॉपिक किया था, मगर फिर मैं कल एक रिलेटिव की तरफ गया हुआ था तो वो अपने बच्चों को वही कह रही थी, पुराना फिक्रा बहन मारी कि सो जाओ वरना जिन आ जाएगा। हाँ। बहू आ जाएगा। इतना मैं हैरान, पहले तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ कि शायद मेरे हवाले से कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मैं उस वक्त गया हुआ था उनके घर। मगर वो फिर उसने इशारा दूसरी तरफ किया कि इधर से वो देखो सामने है ना खिड़की, उधर से बहू आएगा। मैं फिर समझ गया, मैंने कहा नहीं वो और बहू की बात हो रही है। और वो भी क्या बहू है जो खिड़की से आया। हाँ जी। अच्छा, मैं हैरान हो रहा था कि इतने जदीद दौर में भी अभी तक, जबकि ये टॉपिक कई दफा डिस्कस हो चुका है मीडिया के ऊपर भी, किताबों में, रसालों में, आज भी माएं यही कह रही हैं। कितनी सादा माएं होती हैं और बच्चे उनको कितना शदीद तंग करते हैं कि उनको कहना पड़ता है कि सो जाओ वरना बहू आ जाएगा। चलो गौरी के घर जो हमारी बहन है वो तो अगर कहती हैं अपने बच्चों को तो खैर है, कह ले, कह ले, उनका बनता है। अभी हमारी के लिए तो कहना भी बहुत आसान है कि सो जाओ वरना अब्बू के आने का टाइम है। यार तुम तो डायरेक्ट ही हो गए, थोड़ा सा तो ख्याल करो। नहीं, मैं वाकई सोच रहा हूँ, जबकि ये काफी दफा कहा जा चुका है रिसर्च और मेडिकल के हवाले से, डॉक्टर शक्टर ये वो सब कह बैठे हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, बच्चे में वो एतमाद नहीं रहता। और वाकई ये बात ठीक है, तुम यकीन मानोगे कि मुझे भी अल्लाह माफी दे, अल्लाह पाक हौसले में रखे, वालदा मोहतरमा अल्लाह बख्शे उनको, अल्लाह जन्नत में जगह दे, कहा करती थी कि ये सो जाओ वरना बहू आ जाएगा। आज तक मैं बहू से इतना सख्त डरा हुआ हूँ कि ईमान से मैं बड़े आराम से बोतल खोलता हूँ डरते हुए, कलमे पढ़ते हुए कि इसमें से अगर जिन निकल आया तो उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या हुक्म है मेरे आका, तो मैं तो उन्हें यही कहने के भाई जाके कवर दे खोदन का आर्डर दिया। जिंदगी तो समझ आती है, बहू की मुझे नहीं समझ आई। एक चीज होती है, बहू जरा थोड़ा सा मॉडर्न होता है, जो थोड़ा सा कपड़े शपड़े पहन के हैट उठ पा के फिरे ना, उस दिन को बहू भी कहा जा सकता है। जैसे बाऊ से निकला ना, ये बाऊ, बाऊ और जिन को मिक्स करके बहू बनता। अच्छा जी, मेरी बेगम भी बच्चों को मेरा ही ड्रावा देती है। अच्छा, कि सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। होए होए होए, सदके जामा तेरे गब्बर दे। इतना सा प्लास्टिक का गब्बर, मैं ना क्या बात है, चाइना का दलेर मैं दी थी आया सी, चाइना का गब्बर भी आ गया। अजीब बात है। हाय हाय, बेटा तुम्हारे मतलब गांव में बात होती है, बड़ा गब्बर कट्ठा आया है, उन्हें कंध से थप छो यार, खुद आगा काम करो यार, किड़ा गब्बर है। अच्छा जी, गोगा जी, आपकी बेगम भी आपके हवाले से बच्चों को डराती है? नहीं, मेरी बेगम नहीं कहती, मेरी बहना कहती है बच्चों को, सो जाओ वरना चंदा मामू आ जाएंगे। ओ
अल्लाह का वास्ता, हमारी तो खैर है लेकिन चंदा मामू से पूछ लो। और तेरे सदके जामा चंदा मामू, सिर्फ इसलिए अपने आप को चंदा मामू फील करता है कि नजम पूरी सुन बैठा है। चंदा मामू दूर के बड़े पकाए पोर के, हमको दे कनाली में आप खाए प्याली में। ओ भाई हमको दे प्याली में, बहुत अच्छी। ए चंदा मामू ये कह सकता है हमको दे प्याली में ना कनाली में। और चंदा मामू इतफाक से हाथ आए हुए, इनसे पूछो तो सही कि ये पोपल सही को एक दिन पहले कैसे नजर आ जाता। नहीं वैसे जितना चंदा मामू है ना ये नजर आ जाता होगा। मेरी उनके साथ पुरानी याद अल्लाह है। खबर पढ़ दो चंदा मामू तो सीरियस हो रहा है। मियामी से खबर है जहाँ की तहकीक के मुताबिक मजाहिया अंदाज अपनाने वाली खवातीन मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्या वैसे ये इन्होंने तस्वीर का एक और रुख रिसर्च किया है। मजाहिया अंदाज अपनाने वाले मर्द हैरात भी औरतों को अच्छे नहीं लगते। नहीं तो किसी का पर्सनल तजर्बा चेक करके देख लो। और औरतें तो वाकई मजाहिया अंदाज बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। आप बड़ा लम्मा लतीफा सुनाए ना औरत को, तो अखीर पे वो कहती है कि वैसे ये उसको ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। यानी उस लतीफा को इतना संजीदा बना देती है कि वो लतीफा काटर सलमान गनी साहब का तज्जिया ज्यादा लगना। और खुद वो बात इतना लोट पोट होके सुना रही होती है जो रोने पिटने वाली होती है। तो तुम्हारी कजल की शादी पे हम गई थी ना, उस लहरे वाली सलवार के ऊपर लंबी शर्ट पहनी हुई और उसकी बहन ने लाइट ग्रीन सूट के साथ डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई। यानी उसके मेकअप का बेड़ा गर्क हुआ हुआ और खुद लोटपोट हो रहा है। इसलिए ये कोई रिसर्च अच्छी नहीं है, वन साइडेड रिसर्च। अच्छा चले ये तहकीक सुने, शायद आपको पसंद आ जाए, जिसके मुताबिक कोई भी शख्स खाना सूंघ कर मोटा हो सकता है। ओ मेरे अमाल का, कितने मल्ले च देगा सूंघदा रहे मेरे अपरावा। ओ खुदा दा वास्ता ही आज पता चला है मुझे, मैं भी कहूँ कि खाता तो ये थोड़ा सही है। छड़ते जिन्हें जो पकाया हो गया, हमें जाके ब्याह के ऊपर देखो कि कनालियां ठा ठा के पूछ रहा होता है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खाता वाकई बहुत थोड़ा है, मैंने खुद देखा है। हाय हाय, सूंघते हुए किसने देखा? ये वाकई खाना सूंघने से बंदा मोटा हो जाए ना। इस तरह की तहकीके सुनाया करो, बड़े बड़े कंजूस लोग भी हैं इधर। हमारे मल्ले के फरूके शेख ने तो कहना, भाई जी थोड़ा जहा सालन पकाओ तो सारे बालों ने सुंगा दियो। और उसने वड्डे बेटे को कहना, बेटा तू बड़ा माड़ा आया है, खुदा दा वास्ते दूध दही भी सूंघ जाता है। अब खाना उठा ले, मैंने पेट भर के सूंघ लिया। अगला कहेगा, भाई जी नाक भर के सूंघ गया। वैसे मुझे आज समझ आई है कि ये चाइनीज जापानी जो है ये इतने स्मार्ट क्यों होते हैं। इनसे तो कोई चीज सूंघ ही नहीं जाती। मोटा तो हो ही गया है, हूं पतला होना है तो खाली प्लेटा सूंघा कर। न्यूजीलैंड की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक परिंदे भी रन मुरीद होते हैं, यानी अपनी फीमेल को खुश रखने के लिए हर तरह के जतन करते हैं। वैसे बहुत बुरी बात है, पहले ही आप लोग एंकर का तवा लगाना शुरू हो गए हैं, अब उसको आप तोता भी पेंट कर रहे हैं। वेरी बैड। सॉरी यार, लो मैं उधर देख नहीं रहा, उसका वाकई महंगे तोते की तरह का मुंह बन गया। अच्छा जी, आपने तो माशाल्लाह परिंदे भी बहुत रखे हुए, ये आपसे परिंदों ने अडॉप्ट किया है या आपने परिंदों से अडॉप्ट किया? ये शुगल। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जब भी नर और मादा जो तोता है वो अलग अलग रंग या जिस्म के जसामत के होते हैं, तो नर जो होता है वो हमेशा खूबसूरत होता है, और इसलिए होता है कि वो अपनी मादा को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ हमेशा वो डांस करता है या मुख्तलिफ दिलचस्प हरकतें करता है। खूबसूरत हमेशा नर होता डांस कर कर दिखा। हाँ डांस कर। मैं भी कहूँ ये थैले को अगर देने चाहूँ, कह रहा था कि यार मुझे थोड़े से स्टेप तो सिखा। अच्छा जी, वैसे मैं एक और बात भी ये फील करता हूँ कि ये बाकी रिसर्च ठीक है। अच्छा। मैंने खुद एक दफा, मैंने भी मुर्गियां रखी हुई है ना, तो मैंने खुद देखा कि मुर्गी मेरी ना एक ऐसे पंजा खिलार के तो लेटी हुई थी और एक मुर्गा उसका पंजा दबा रहा।
देखा मैंने ये मन। चलो बंदा डांस कर ले, जो मर्जी कर ले, बीवी को खुश करने के लिए बर्तन झाड़ू ये तो ना करे यार। डोंट लाफ, डोंट लाफ, बच्चा इनकरेज होता है। खबर अगली क्या जी? सुल्तान हसन ब्रोनाई की 1.5 अरब मालियत सोने की बनी गाड़ी के चर्चे। गाड़ी की बॉडी 24 कैरात खालिस सोने से बनी है। शाबाश, सोने की गाड़ी। हाँ जी, ब्रोनाई के बादशाह की जी। देखो ये रहा हमारी बेचारी फिल्म स्टार अंजुमन, सोने की तवीतड़ी के पीछे रोलती रही। उस बेचारी की सारी जिंदगी की प्लानिंग ही देखो, अधे तोले की तवीतड़ी। जे मैं हुंदी डोलना, वे डोलना सोने दी तवीतड़ी। ना बेचारी वो सोने दी तवीतड़ी होई, ते ना ही रहिंदी गल ना लाके तेरे। अजीजी टेंशन ना लो, जितनी मर्जी सोने की गाड़ियां बनाए, टायर रबड़ गई होने होंगे भी काले। और ये को टायरों का कारीगरी बोझ सकता था। जी अंगारी तेरे सबके जाम। बाकी की फायदा सोने की गड्डी का? योर से ब्रेक लगाएंगे तो टायरों में से तो चीखों की आवाज ये आनी है। दो दिन बाद पता चले बेगम साहब ने गेयर उतार के अपना सेट बनवा लिया। हम तो बेचारा साथ बैठी हुई बीवी के गले से पकड़ के गेयर लगा रहा। अजीम ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।